किसी भी रेविट फाइल का आईएफएससी हम कैसे जनरेट करते हैं आज वो हम देखेंगे। तो पहले हम फाइल में जाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 3D मॉडल, इसका हम आईएफएससी जनरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में हमारे पास ये ऑप्शन आएगा आईएफएससी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसका लोकेशन दे देंगे, हमें आईएफएससी को सेव कहाँ करना है। तो ब्राउज पे जाएंगे, हम इसको सेव कर लेते हैं डाउनलोड में, डाउनलोड में यहाँ पे सेव कर लेते हैं। हम नाम चेंज कर लेते हैं इसका, ये कर दिया, हो गया। उसके बाद हम अपने हिसाब से इसका सेटअप कर सकते हैं। तो जनरल हमारा ठीक है, एडिशनल हमें ओनली 3D एलिमेंट्स का ही ऐप से जनरेट करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, अपने अपने हिसाब से आप जो भी चेंजेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेट ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल ठीक है, एडवांस में हम कर देंगे यूज एक्टिव व्यू व्हेन क्रिएटिंग ज्योमेट्री, तो ओके कर देंगे। इसके बाद हो गया सब चीज सेट। उसके बाद हम एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये थोड़ा टाइम लेगा एक्सपोर्ट होने में। तो हमारा आईएफएससी जनरेट हो गया है, आईएफएससी जनरेट हो गया है। तो अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट लेंगे, किसी भी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करके। तो हम एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, आर्किटेक्चर टेम्पलेट लेते हैं। अब हमने अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे और लिंक आईएफएससी पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी हमारा फाइल आईएफएससी जो हमने बनाया है वो जहाँ सेव है वहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको ओपन करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा, कुछ सेकंड का, और ये हमारा आईएफएससी बन चुका है एकदम परफेक्ट। हम इसके 3D व्यू में जाके फिट जूम टू फिट करके चेक कर सकते हैं हमारे सारे आइटम एलिमेंट्स एकदम परफेक्ट जनरेट हुआ है।